अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईटेक ऑनलाइन। दोस्तों आज की वीडियो है सीक्वेंस है, पार्ट टू है कैनवर्ड ई को प्लस का, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी 16/8/2021 को, कि ये वाकई इकोनॉमिकल है या खाली कंपनी ने इस पे मोनोग्राम जो है वो लगा दिया है कि 75% सेविंग है और इकोनॉमिकल प्लस है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी तो वो 16/8/2021 को जो है इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें तो सारा हाल पता पड़ गया था एसी का कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा एक और ऑनेस्ट रिव्यू इसका लेके आऊँगा एक महीने के अंदर, लेकिन वो तकरीबन मुझे दो महीने लग गए इस वीडियो को बनाते हुए। तो कल 10/10/2021 को जो है ना ये वीडियो मैंने बनाई। तो वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम दोस्तों से, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल नोटिफिकेशन हिट कर लें ताकि मेरी आने वाले तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देख रहे हैं कि सामने आपको ई को प्लस नज़र आ रहा है, मोनोग्राम लगा हुआ है ई को प्लस का और ऊपर स्टिकर लगा हुआ है 75% सेविंग का। बहुत लूटा है कंपनी ने, कैनवुड वालों ने बहुत लूटा है आवाम को, शर्म भी नहीं आती उनको कि लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। ये कल मैंने वीडियो जब बनाई तो मैंने टेम्परेचर मीटर रखा, उस पर ह्यूमिडिटी भी आ रही है और टेम्परेचर भी आ रहा है 29.3 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर और 66% ह्यूमिडिटी है। और ये मैंने स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट किए हुए अभी तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, तो ये 6.5 एम्पियर तक रीच आउट कर चुका है। और पावर फैक्टर, इस पर भी कभी आपको वीडियो बनाऊँगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, कि पावर फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है, 0.99% आ रहा है, ठीक है ना, 1 आ रहा है या 0.99 आ रहा है, तो ये बेहतरीन पावर फैक्टर है। ये 1506 जो है वो हाई पे जो है वाटेज ले चुका है और अभी 1512 1517, अभी आप देख रहे हैं कि ये वाट जो है पावर अपनी इंक्रीज़ कर रहा है। चले जी, इसमें कोई बात नहीं है कि अब भले इंक्रीज़ करता जाए, अभी आप देख सकते हैं कि 6.8 तक पहुंच चुका है ये एम्पियर। और टाइम हो रहा है 11:40 और आज डेट है 10/10/2021। अब 10 मिनट के बाद आप पोजीशन नोट करें तो वोल्टेज भी पूरे आ रहे हैं, 220 से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि सोलर लगा हुआ है 5 किलोवाट सिस्टम, उसको मतलब पूरे जो है ना पूरा पावर फैक्टर भी सही आ रहा है और वोल्टेज वगैरह भी सही आ रहे हैं। तो अभी 1400 वाट पे रन कर रहा है तकरीबन, 1390 1393। अब ये शाम की पोजीशन है, शाम को मैंने छोड़ दिया था एसी को चलते हुए और शाम को जो है 5:30 बजे के बाद में आया और उसके बाद जो है मैंने इसकी ताकि चेक करूं कि रूम की जो है कंडीशन क्या है, इससे पहले कि आप एसी की तरफ जाएं तो ये उधर घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, आप उनको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि कैसे लगे आपको। अल्लाह की शान, अब देखें एसी की तरफ आ गए। रूम में पूरा दिन कोई भी नहीं था और इस रूम के ऊपर है ऊपर का रूम, लेकिन इसके ऊपर टेरेस बना हुआ है और उसके बराबर जो है छत पे, तो वो 5 किलोवाट की तकरीबन 11 प्लेट्स लगी हुई हैं जो है ना सोलर की, तो उसमें भी इतनी धूप इतनी हीट जो है वो नहीं आती। अब 5:48 हुए हैं और 46% ह्यूमिडिटी है और 26.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 26 पे हमने एसी रखा था तो वो 26 तक आ गया है, लेकिन 26 तक आने के लिए उसने जो एनर्जी कंज्यूम की है वो भी मुलाहिजा फरमाए। अभी ये करेंटली भी 6.7 एम्पियर पे चल रहा है,
ये जब स्टार्ट होते हैं तो लो वाटेज पावर कितना लेते हैं, वो 5.1 है इसमें। मतलब जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये मीटर शो करता है कि कम से कम पावर जो चीज़ चल रही है उसने कितना लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसने लिए हैं 1635 वाट, यानी एक घंटे में 1.25 यूनिट। जो ये रनिंग, ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस पावर तक गया था। और आप ऊपर देख रहे हैं कि 6 घंटे और 10 मिनट हो चुके हैं, 6 घंटे और 10 मिनट ऊपर आपको लिखा हुआ आ रहा है। ये तो कॉस्ट पर आवर मैंने सेट नहीं किया हुआ, कॉस्ट सेट करता तो उस पर आ जाती। और अभी करेंटली जो चल रहा है, अभी करेंटली भी 1411 वाट पे चल रहा है ये। यानी ये भी एक घंटे के अंदर आपका 1.5 यूनिट ले लेगा। 6 घंटे बाद भी जिस पोजीशन पे चल रहा है वो एक घंटे में 1.5 यूनिट लेगा। और आप मुलाहिजा फरमाएं, 8.9 यूनिट इसने 6 घंटे में कंज्यूम कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक घंटे में 1.5 यूनिट आपका ले रहा है। 1400 वाट से कम नहीं आ रहा, ये नीचे नहीं हो रहा। पावर इसका 1.4 किलोवाट से कम नहीं हो रहा। और करेंटली 6 घंटे बाद भी जो है ये 6.6 एम्पियर पे रन कर रहा है। हालांकि इसको डिक्रीज करने चाहिए थे एम्पियर। कंपनी तो कहती है कि ये 4.5 तक चलेगा या 4.6 तक चलेगा। और मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत भी हुई और इसकी अफसोस भी हुआ कि कंपनी जो है वो लोगों को लूट रही है। इस स्टिकर पे जो 75% का लगा हुआ है और ये इको प्लस के मोनोग्राम पे, और क्या कोई हकीकत लोगों को बताने वाला नहीं है कि भाई आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, लोगों के आवाम की जेबों से लूट रहे हो पैसे। कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो हया आनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे तो सारे लूटने वाले हैं। कोई भी आपको जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू या आपको कोई भी ईमानदारी आ जाए तो अपना मुल्क सुधर नहीं जाए। बस लोगों को जो है ना वो नफसा नफसी लगी हुई है, खाली माल कमाने के चक्कर में है सारे। अब मैं नेक्स्ट रिव्यू करूँगा। ये मेरे सिस्टर के घर ही लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने मशवरे के बगैर लिया था। तो कहते हैं ना मशवरे में खैर है, खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा सबके लिए। तो उनके पास गिरी का 1.5 टन का भी लगा हुआ है स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर। अब मैंने कहा कि नेक्स्ट संडे को जो है ना, मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो नेक्स्ट संडे को मैं उसका रिव्यू करूँगा कि वो नॉन इन्वर्टर होते हुए और 1.5 टन का स्प्लिट एसी होते हुए वो कितने यूनिट कंज्यूम करता है अगर वो उसको 4-5 घंटे चलाते हैं तो। क्योंकि मेरे पास हायर का एसी था, 1 टन का नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी था, वो भी इससे अगर मैं उसको 6-7 घंटे चलाता था तो वो भी इतने कंज्यूम नहीं करता था यूनिट। वो भी 6-7 यूनिट या 6 यूनिट कंज्यूम करता था ज़्यादा से ज़्यादा, 1100-1100 वाट से ऊपर नहीं जाता था। लेकिन ये 1.5 हैरत है मुझे इस बात की कि 1.5 यूनिट पर आवर कंटिन्यूस ले रहा है 6 घंटे चलने के बाद, नॉन स्टॉप चलने के बाद, रूम में ना कोई भी ना होने के बावजूद इसने 9 यूनिट लिए हैं। 9 यूनिट हो गए हैं, 9.029, और 6 घंटे 16 मिनट चल चुका है एसी और अभी भी 212 वोल्ट आ रहे हैं। 6.6 एम्पियर पे अभी भी चल रहा है। ये केनवुड ई इको प्लस टोटल फ्रॉड। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, बल्कि जितना भी फेसबुक पे, जितना भी आपके सोशल मीडिया पे, जितना आप शेयर कर सकें इसको शेयर करें, ताकि और कितने लोग जो है वो बच सकते हैं, और कितने ही लोग बच सकते हैं इस फ्रॉड से। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लोगों को जो है ना कोई मतलब सही एडवाइस देने वाला, ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी मशवरा मतलब आप किसी को मशवरा नहीं दे रहे, खाली एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने ये किया है। या आप जितना शेयर करेंगे लोगों को इससे और फ़ायदा मिलेगा।
बहरहाल इन्होंने कैनवुड वालों ने तो बहुत ज़्यादा लूटा है लोगों को, बहुत ज़्यादा लूटा है। 6 घंटे में 9 यूनिट, ये तो मेरे ख्याल से डेढ़ टन का जो है 1.5 टन स्प्लिट एसी जो नॉन इन्वर्टर है वो भी इससे कम लेगा। बहरहाल अपने यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है मुल्क में। दोस्तों मैक्सिमम इसको शेयर करें लोगों के साथ ताकि लोगों के जो है ना उनको फ़ायदा पहुंचे इससे, ताकि कोई और फ्रॉड से बच जाए। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जो भी कमेंट्स हो, जो भी आप बात पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह एक और जो है इसके बाद जो है मैं एक वीडियो ला रहा हूँ ई स्मार्ट की। अल्लाह हाफिज़।